में हमको सुख शांति चाहिए, विकास चाहिए, क्षेत्र में विकास हो, युवा शक्ति को रोजगार चाहिए। तो नीतीश कुमार से आप खुश नहीं है? नीतीश कुमार को तो 15 साल से राज करा रहे थे सर। तो इस बार आपको क्या चाहिए, किसकी सरकार चाहिए? तेजस्वी चाहिए, तेजस्वी यूथ है। बेरोजगारी और भत्ता भ्रष्टाचारी को रख दिया, रोड पे लाके खड़ा कर दिया सर, जो बात सत्य है। बीजेपी से आप खुश नहीं है? नहीं सर, हम बीजेपी से खुश नहीं है। साथ कई साथी उपस्थित हैं, हम उनसे भी बात करना चाहते हैं, क्या कहेंगे? नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जफर है। कितना खुश हैं आप वर्तमान सरकार से? देखिए, बीजेपी सरकार ने तो बेरोजगारी और भत्ता भ्रष्टाचारी को रख दिया, रोड पे लाके खड़ा कर दिया सर, जो बात सत्य है। बीजेपी से आप खुश नहीं है? नहीं सर, हम बीजेपी से खुश नहीं है। बहुत सारा काम किया बीजेपी से, खुश नहीं है। हम आपको बताते हैं, शौचालय का राशि आपको नहीं मिली क्या? शौचालय का राशि तो अभी तक नहीं मिला है सर। नहीं मिला है? देखिए, शौचालय की राशि अभी तक नहीं मिला है हमारे साथ जो मौजूद है, तो इसीलिए आप वोट उनको नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, हम वोट नहीं करने जा रहे। आपको क्या चाहिए बिहार में? बिहार में हमको सुख शांति चाहिए, विकास चाहिए, क्षेत्र में विकास हो, युवा शक्ति को रोजगार चाहिए। तो नीतीश कुमार से आप खुश नहीं है? नीतीश कुमार को तो 15 साल से राज करा रहे थे सर। तो इस बार आपको क्या चाहिए, किसकी सरकार चाहिए? तेजस्वी चाहिए, तेजस्वी यूथ है। वर्तमान विधायक आप किसको बना रहे हैं? विधायक मुकेश कुमार को बना रहे हैं। शुभानंद मुकेश आपके यहाँ के प्रत्याशी, उन्हीं को ये विधायक बना रहे हैं। क्या क्या आप उम्मीद रखे हैं इनसे? इनसे बहुत कुछ उम्मीद है सर, युवा शक्ति है, काम करेगा, नहीं करेगा तो फिर सोचेंगे, 5 साल के बाद वे फिर बदलेंगे। फिर बदल दीजिएगा तब क्या, काम नहीं करेगा तो बदल देंगे। चलिए, तो हमारे संविधान में लिखा हुआ है। हाँ, लोकतांत्रिक अपना अधिकार है कि जो काम नहीं करे उनको बदल देना है, सत्ता से बेदखल कर देना है। तो और वर्तमान स्थिति आपके यहाँ क्या क्या हुआ, आपके गाँव में कोई भी योजना वगैरह काम वगैरह हुआ या नहीं? देखिए सर, पहले तो नीतीश बाबू जब 5 साल संसद काल में रहा तो अच्छा काम किया, इससे हम खुश थे, इससे बहुत ज्यादा हम खुश थे सर। उसके बाद में जैसे नीतीश सरकार आया, बिहार का पूरा परिवर्तन, रोड जोड़ दिया, गांव-गांव बिजली ला दिया, बहुत खुश थे। लेकिन पार्टी छोड़ देने के बाद में क्या हुआ नहीं हुआ सर, वो हम नहीं बता सकते है। फिर वो पार्टी छोड़ दिया, बीजेपी में चला गया। नीतीश कुमार में आपको क्या कमी दिखा? कमी तो सरकार में है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सब कमी है, महंगाई बढ़ गया। इससे पहले भी तो जब लालू यादव की सरकार थी सर, उसमें 2 रुपए किलो आलू था लालू के सरकार में सर। अभी आलू कितना है? अभी आलू 35 रुपया पीस है, 35 रुपए किलो। इससे आप खुश नहीं? साग सब्जी, बेरोजगारी बहुत है सर, कहाँ से क्या करेंगे? छोटे बच्चा है, छोटे छोटे कहाँ से कमाएंगे? तो आपके यहाँ तो बराबर लगभग 45 साल से, जैसे कि हमें पब्लिक से समझने में मूवमेंट नजर आती है कि 45 साल से आपका एक ही विधायक रहा है, माननीय सदानंद सिंह जी, इस पर आप क्या कहेंगे? और फिर आप उनके बेटे को बोल रहे हैं मौका देंगे? देखिए सर, हुआ क्या, अब बूढ़ा हो गया इसलिए कैंडिडेट हम बदल चुके हैं। आप तो कौन सी सरकार चाहिए? तेजस्वी सरकार चाहिए। और भी हैं हमारे साथ, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? कितना खुश है आप वर्तमान सरकार? हम तो खुश तो नहीं है, मगर सरकार यहाँ तो अच्छी रहना चाहिए, जैसे वैसे की सरकार है वहाँ पे, यहाँ पे भी उसे हिस्सा लेना चाहिए। आप ओवैसी को समर्थन कर रहे हैं? हम इस वक्त तो तेजस्वी यादव को समर्थन कर रहे हैं, समर्थन नहीं कर रहे, यहाँ पे हिस्सा लिया नहीं, इसी वजह से हम ओवैसी को देते। मगर ओवैसी का भी तो यहाँ पे कैंडिडेट है, उनका जो गठबंधन बना हुआ है उनका भी तो एक कैंडिडेट है, क्या कहेंगे? मगर वो रहता तो सही है, मगर उनके कैंडिडेट है, आप खुश नहीं है? नहीं, उनसे कैंडिडेट से खुश नहीं है। चलिए, तो ये कैंडिडेट से खुश नहीं है, और भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? कौन जीत रहा है? सदानंद मुकेश। शुभानंद मुकेश, आपको क्या क्या दिया? हर मुंह से लग से हटा गंदी दिया, फुलपेंट शर्ट दिया, तेजस्वी सब मुर्खे, तेजस्वी जानते हैं? हाँ, हटाए।
लालू यादव बेटा। वाह, लालू यादव का बेटा है। हमारे साथ मोहम्मद सोबराती मौजूद हैं। इन्होंने इनका कहना है कि हम तेजस्वी को हम जानते हैं जो कि लालू यादव का बेटा है, और भी हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? हम नहीं बोल सकेंगे। आप बताइए क्या नाम है, कैसा लग रहा है आपको इस बार का माहौल? कितना आप खुश हैं सरकार से? मोदी से तो हम परेशान हैं। मोदी से परेशान है? मोदी से आप खुश नहीं हैं? सारा जो बाहर कमाने वाले काफी परेशान हो गया, कितने भूखे मर गए और कितने अभी भी अन्न के लिए मर रहे हैं। अन्न के लिए मर रहे हैं, मर रहे हैं। रास्ते में पैदल चल के आए हुए हैं। आपको किसकी सरकार चाहिए, किसकी सरकार चाहिए आपको? सरकार फिलहाल अभी यही अपना जो मुकेश बाबू, तो आपके विधायक हैं, मुख्यमंत्री आप किसे चुन रहे हैं, तेजस्वी या नीतीश कुमार? तेजस्वी या नीतीश कुमार? तो यहाँ पे तेजस्वी की चाहत हमारे नौजवान साथी और बुजुर्गों में भी देखने को मिल रही है। इस बार अब क्या 10 तारीख को निर्णय होता है? निर्णय की थी जब वो हमारे सरकार बनने के लिए आए थे, तो उन्होंने कहा था मुसलमान के एक हाथ में कुरान दे, एक हाथ में कंप्यूटर देंगे। पता चला कि मुसलमान के हाथ में न कुरान है न कंप्यूटर है, बल्कि दोनों हाथ में लड्डू पकड़ा दिया। जो डिग्री जिनके पास डिग्री है वो आज पकौड़ा बना रहे। आप साफ सुथरी आवाज में बताइए कि आपको किसकी सरकार चाहिए? मुझे किसी की सरकार नहीं चाहिए, मुझे उसकी सरकार चाहिए जिसके दिल में सीने में दिल हो, जिसके अंदर इंसान का रहमो करम हो। किसके सीने में दिल है? हाँ, उसके सीने में दिल होगा जिसके अंदर इंसान से मोहब्बत होगा जिसको। इसलिए कि आज जो हमारे आगे पीछे जो सरकार घूम रही सर, उसके अंदर न दिल है और न फिर वो इंसान का दर्द है। आपके साथ तो मात्र में दो ऑप्शन है, एक नीतीश कुमार एक तेजस्वी सरकार, आप किसे चुनेंगे? हम सर उसको चुनेंगे जो अच्छे से और जो अपने वादे के ऊपर मुकम्मल जमा। हम नीतीश कुमार को नहीं तस्लीम कर सकते, हम नीतीश कुमार को नहीं लेंगे, बल्कि हम तेजस्वी को सरकार के तौर पर देखना चाहते हैं। आप तेजस्वी का समर्थन करते हैं? जी, हम तेजस्वी का समर्थन करते हैं। एक नौजवान है, उसमें अज्म है, हौसला है और वो करना चाह रहा है, उनको मौका दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने लॉकडाउन के मौके पर पब्लिक के लिए, खास करके हम बिहारियों के लिए जो कि बाहर फंसे हुए थे, उन्होंने बहुत काम किया है। तो हमारे यहाँ का जो नौजवान है उनका कहना है कि हम नाराज चल रहे हैं नीतीश सरकार से, और जो स्थिति है वर्तमान स्थिति के बारे में आज हमने आपको रूबरू कराया यहाँ के पब्लिक से, यहाँ के जनता से। तो और भी कुछ हम आदमी से जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति है, क्या नाम है आपका बताइए। नहीं बोले, आप कुछ बोलना चाहेंगे? तो कुछ और नौजवान है हमारे साथ, और भी हमारे साथ एक साथी है, उनसे बात करेंगे कि आपको कैसी सरकार चाहिए। कुछ इनका छूट गया था जो अपनी बात को रखेंगे। बताइए कितना आप खुश हैं? देखिए नीतीश जी से नहीं, बीजेपी सरकार से हम खुश हैं, इसलिए कि हमारे घर घर अन्न पानी जल बिजली फ्री कनेक्शन किया है। बिजली आपको फ्री मिल रहा है? कनेक्शन फ्री दिया है, कनेक्शन फ्री दिया है। बिजली बिल लग रहा है? बिजली बिल लग रहा है। बिजली तो फ्री नहीं है? नहीं, बिजली तो फ्री नहीं किए हैं अभी। पानी मुनी सब कुछ पंचल्ला दे रहे हैं। आपको राशन कार्ड मिला? राशन कार्ड अभी नहीं मिले। आप क्यों खुश हैं बीजेपी सरकार से? वो बीजेपी का सुनिए, वो प्रधानमंत्री का मतलब गलती नहीं है, वो उनका जो यहाँ का काज करता है उनका गलती है। प्रधानमंत्री का तो चुनाव नहीं हो रहा है, मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा है। मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा है। आप मुख्यमंत्री पर देख रहे हैं न्यूज 4 बिहार। मैं हूँ रूपेश कुमार राज और हमारे साथ कैमरा मैन है मोहम्मद अहमद। नमस्कार।